पर भी मैं कुछ गुजारिशात अपने कुछ ख्याल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मैं अपनी गुफ्तगू एक मशहूर तमसील से शुरू करता हूं। बहुत मशहूर तमसील है और अक्सर जेर बहस आती है कि फर्ज कीजिए कि टाइम मशीन में बिठाकर 19वीं सदी के किसी सर्जन को किसी मॉडर्न हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में आज पहुंचा दिया जाए। 19वीं सदी के सर्जन को आप तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर की आंख से देखिए कि उस सर्जन का क्या रिस्पांस होगा। 19वीं सदी का सर्जन, ऑपरेशन थिएटर उसको एक बिल्कुल नई दुनिया, नामानुस दुनिया महसूस होगा। जो कुछ काम वो करता रहा है अपने जमाने में उससे कोई मेल उसको नजर नहीं आएगा। वो समझेगा ही नहीं कि ये क्या चीज है, किस जगह उसको पहुंचा दिया गया है। टेस्टिंग के लिए यहां पे एमआरआई मशीन है जिसका उस जमाने में कोई वजूद नहीं था। मॉडर्न अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी की मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं, इंडोस्कोपी की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो रगों के अंदर, नसों के अंदर मशीन पहुंचा देती हैं और रगों की बारीकियों को नापने लगती हैं। डॉक्टर को जो है एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रग के अंदर, शिरियान के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है वो नजर आने लगती है। तो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का पूरा प्रोसेस है वो उसके लिए बिल्कुल नामानुस, बिल्कुल अजनबी होगा। वो अपने आप को वहां पे अनफिट महसूस करेगा। अब उसके मुकाबले में आप दूसरा तस्वीर, दूसरा इमेजिनेशन ये कीजिए कि 19वीं सदी के एक टीचर को, एक लेक्चरर को आज के क्लासरूम में पहुंचा दिया गया। क्या वही अजनबियत, क्या वही नामानुसियत का एहसास उसको होगा? बड़ी तब्दीली नहीं होगी अक्सर जगहों पर, कहीं कहीं होगी लेकिन ज्यादातर बड़ी तब्दीली महसूस नहीं करेगा। उसी तरह का ब्लैक बोर्ड और उसी तरह की क्लासरूम और उसी तरह लेक्चर का मेथड, कोई बड़ी तब्दीली, कोई बड़ा चेंज महसूस नहीं होगा। इस तमसील से क्या मालूम होता है? इस तमसील से यह मालूम होता है कि दुनिया की तब्दीलियां जिस तरह हर प्रोफेशन पर असरअंदाज हो रही है, हर रोल को मुतासिर कर रही है, टीचर का रोल, उस्ताद का रोल बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं हो रहा है। हालांकि सबसे ज्यादा उस्ताद का रोल मुतासिर होना चाहिए, इसलिए कि उस्ताद का काम तो मुस्तकबिल साजी का काम, फ्यूचर मेकिंग का काम है। उसे सिर्फ फ्यूचर के मुताबिक हमाहंग नहीं होना है बल्कि फ्यूचर की तश्कील करना है, अपने जमाने से आगे रहना है। तो बदलते दौर के तकाजे क्या हैं और उसमें टीचर का क्या किरदार होना चाहिए, इस पर हमें कुछ गहराई के साथ गौर करने की जरूरत है। बहुत सारी तब्दीलियों पर बात हो सकती है, मैं चार पांच बड़ी बड़ी तब्दीलियों पर यहां गुफ्तगू करना चाहूंगा। पहली बड़ी तब्दीली, बदलते दौर की पहली खसूसियत, हैरत अंगेज खसूसियत, इनकलाब आखिरी खसूसियत, वो मालूमात का धमाका है। इल्म की पैदावार में गैर मामूली इजाफा, हैरत अंगेज इजाफा। जिस तेजी से इल्म बढ़ रहा है, इल्म पैदा हो रहा है, नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है, ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हम सब वाकिफ हैं बैकमिस्टर फुलर के चार्ट्स। बैकमिस्टर फुलर एक अमेरिकन आर्किटेक्ट और मुसन्निफ गुजरा है, उसने नॉलेज डबलिंग कर्व्स डेवलप किए थे। नॉलेज डबलिंग कर्व्स के इल्म किस रफ्तार से डबल होता है, दुनिया में जो टोटल नॉलेज है इस वक्त कितने सालों में वो डबल होता है, उस यानी दुगना हो जाता है। तो उसका एनालिसिस ये है कि सन 1900 में, आज से 125 साल पहले, 116 साल पहले, 20वीं सदी के आगाज में, सन 1900 में नॉलेज डबल होने की रफ्तार 100 साल थी, यानी 100 साल में दुनिया का नॉलेज डबल हो जाता था। हर सब्जेक्ट में अलग अलग है लेकिन ओवरऑल सम टोटल नॉलेज 100 साल में दुनिया में डबल हो जाता था। उसका कहना है कि दूसरी जंग अजीम के बाद 1944 में ये दौरानिया घटकर सिर्फ 25 साल रह गया, 25 साल में नॉलेज डबल होने लगा। आज 2016 में सिचुएशन ये है कि हर 14 महीनों में नॉलेज डबल हो जाता है, 14 मंथ्स में, 14 महीने के अरसे में दुनिया का टोटल नॉलेज डबल हो जाता है।
यानी नॉलेज डबल होने के लिए आज से सवा 116 साल पहले 100 साल लगते थे, वो दौरानिया घटकर अब सिर्फ 14 महीने रह गया है। जाहिर है ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है और इसका पूरा तालीमी निजाम पर, उस्ताद के किरदार पर, रोल पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि आपने एकेडमिक ईयर शुरू किया और एक कोर्स पढ़ाना शुरू किया तो 14 महीने एकेडमिक ईयर खत्म होने के कुछ वक्फे के बाद जो कोर्स आपने पढ़ाना शुरू किया था उसका एक बड़ा हिस्सा इररिलेवेंट हो जाएगा। नॉलेज डबल होने का मतलब उसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज। हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज का मतलब यह है कि वो पीरियड जिसमें आधा नॉलेज इररिलेवेंट हो जाता है, ऑब्सोल्यूट हो जाता है, यानी गलत साबित हो जाता है आधा नॉलेज। तो अगर 14 महीने नॉलेज डबल होने की रफ्तार है, इसका मतलब यह है कि 14 महीने के अरसे में जो कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज है उसका एक बड़ा हिस्सा इररिलेवेंट हो जाए, आउट ऑफ डेट हो जाए। अब हमने 1996 में 97 में इंजीनियरिंग मुकम्मल की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब मैं याद करता हूं कि उस जमाने में हम जो सब्जेक्ट्स पढ़े, जो कुछ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए, जो कुछ हमको पढ़ाया गया, आज मार्केट में वो कहीं मौजूद नहीं है, वो टोटली आउट ऑफ डेट हो चुकी चीज है। उस जमाने में जिन कंप्यूटर्स पे हम काम करते थे उसकी स्पीड आज जो मामूली तरीन मोबाइल फोन है, सस्ता तरीन 600 रुपए का जो मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन की स्पीड हमारे एडवांस तरीन जो हमारे कॉलेज में कंप्यूटर हुआ करते थे उससे ज्यादा है। तो ये इतने बड़े पीरियड के बाद हो गया है। तो हर 14 महीने में आपका टोटल नॉलेज का एक बड़ा हिस्सा इररिलेवेंट हो रहा है। जो कुछ आपने पढ़ाना शुरू किया है साल के आगाज में, साल खत्म होते होते उसका एक हिस्सा इररिलेवेंट हो रहा है। तो जाहिर है कि ये बहुत इनकलाब आफरी चीज है। अब अगर आप पढ़ा देंगे 4 साल 5 साल उसको, बहुत सारी चीजें पढ़ा देंगे, जैसे ही वो मार्केट में आएगा, तालीम मुकम्मल करके अमली जिंदगी, अमली किरदार अदा करने के लिए आएगा, तो जो कुछ उसने पढ़ा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रिलेवेंट हो जाएगा। अब उससे आगे बढ़ के जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स शुरू हो जाएगा तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यह अरसा और घट के 2 महीने रह जाए, 2 महीने के अंदर दुनिया का नॉलेज डबल हो जाए, डबल होता रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्लासरूम में कुछ पढ़ा देना, कुछ नॉलेज दे देना यह काफी नहीं, पहले काफी हो जाता था। पहले हमने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल अगर कर ली तो जो कुछ हम पढ़ते थे उसी को अपनी अमली जिंदगी में बरतते थे, उसका अपनी अमली जिंदगी में इस्तेमाल करते थे, हमारी तालीम का हमारी अमली जिंदगी से गहरा ताल्लुक था। जो कुछ हम सब्जेक्ट पढ़ते थे, टेक्स्ट पढ़ते थे, उसी टेक्स्ट का इस्तेमाल करते थे अमली जिंदगी में। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। अब टीचर का जो रोल है वो पढ़ाना नहीं है बल्कि पढ़ने के लायक बनाना है। टीचिंग हाउ टू लर्न, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तालिबे इल्म को तैयार करना, ये टीचर का रोल है। सिर्फ पढ़ा देना काफी नहीं है बल्कि जिंदगी भर पढ़ते रहना जरूरी है, और जिंदगी भर पढ़ते रहने के लिए तालिबे इल्म को तैयार करना और उसके अंदर वो एटीट्यूड पैदा करना कि वो जिंदगी भर पढ़ता रहे, ये गोया इसका उस्ताद का असल मकसद। मौलाना कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के बानी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि जब दस्तार बंदी होती थी, यानी जो तस्सीम असनाद का प्रोग्राम होता था, सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे, तो उस मौके पर वो तकरीर में हमेशा कहा करते थे कि देखो तुम ये नहीं समझना कि तुमने पढ़ लिया है, ये सनद इस चीज की सनद नहीं है, इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है कि तुमने पढ़ लिया है, बल्कि यह सनद इस बात की सनद है कि तुम पढ़ने के लायक बन गए, तुम पढ़ने के लायक बन गए हो, यह उसकी सनद है। तो उस्ताद का रोल अब पढ़ाने का रोल नहीं है बल्कि पढ़ने के लायक बनाने का रोल है। तो यह रोल में बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी हिमालयी तब्दीली है। आपके पढ़ाने का अंदाज, आपकी लेसन प्लानिंग, आपके क्लासरूम में आपकी एक्टिविटी, आपका बिहेवियर, ये सब चेंज कर देता है कि मकसद पढ़ाना नहीं है बल्कि पढ़ने के लायक बनाना है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए उसको तैयार करना है। तो ये मैं समझता हूं कि पहली बड़ी तब्दीली है जिस पर मैं रोशनी डालना चाहता था। दूसरी बड़ी तब्दीली इसी से मुताल्लिक, इसी से रिलेटेड, कि जहां नॉलेज गैर मामूली तेजी से बढ़ रहा है,
नॉलेज प्रोडक्शन की रफ्तार इंतहाई तेज हो गई है, उसी से मुताल्लिक एक बड़ी तब्दीली नॉलेज का एक्सेस है कि एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक्सेस टेक्नोलॉजी ने नॉलेज का एक्सेस बढ़ा दिया है। ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज ग्रेट लेवलर, कि लेवलिंग का काम उसने किया है। कि आज से पहले सिचुएशन ये थी कि दुनिया बटी हुई थी, दुनिया बटी हुई थी, बोलने वाले कुछ महदूद तादाद के लोग थे जो बोलते थे, जो यहां स्टेज पर बैठते थे, जो बोलते थे, और बाकी सारी दुनिया उनको सुनती थी। तो बोलना एक एजाज की बात थी कि लंबी मेहनत के बाद, काफी काबिलियत हासिल करने के बाद बोलने का मुकाम हासिल होता था, और चंद ही लोग बोल सकते थे, बाकी सारी दुनिया सुनती थी। हम बड़े बड़े लोगों की तकरीरें सुनते थे, रेडियो पे चीजें सुनते थे, टेलीविजन पे लोगों को देखते थे। तो टेलीविजन पे अगर कोई आकर बोलता है तो बहुत बड़ा आदमी होता था, रेडियो पर अगर कोई आके बोलता था तो बड़ा आदमी होता था। तो कुछ बड़े लोग थे जो बोलते थे और बाकी आम लोग थे जो सुनते थे। कुछ बड़े लोग थे जो लिखते थे, लिखना एक बहुत बड़ी बात थी, और चंद लोगों को ही लिखने का एहसास हासिल था। अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब यह है कि वो बड़ा आदमी है और उसने कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दिया है, और बाकी सारी दुनिया सुनने पढ़ने वालों की दुनिया थी। अब ये लेवलिंग हो गई है कि कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ग्रेट लेवलर के तौर पर वो आया है। अब बोलने वालों की, सुनने वालों की तफरीक खत्म हो गई, हर आदमी बोल रहा। एक 10th क्लास का स्टूडेंट है तो उसके जहन में भी कोई आइडिया है, वो रिकॉर्ड कर देता है, डाल देता है इंटरनेट पर, सारी दुनिया सुनती है। उसके पास घर मामूली आइडिया है तो वो वायरल हो जाता है। बड़े बड़े लोगों की बातें वायरल नहीं होती, लेकिन एक मामूली तालिब इल्म ने कोई गैर मामूली बात कह दी, वो तेजी से दुनिया में फैल जाती है। स्कूल का बच्चा है, वो ब्लॉग लिखता है और सारी दुनिया उसको पढ़ती है। तो एक्सेस, इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है, नॉलेज का जो एक्सेस है, इसमें गैर मामूली इनकलाब वाकई हुआ है। वो दिन दूर नहीं है अज़ीज़ाने गिरामी, जो लोग नॉलेज की फ्यूचरोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है, बहुत करीब है। और अनकरीब हम वो दिन देखेंगे कि एक तालिबे इल्म हाथ बढ़ाएगा, हाथ बढ़ाने का मतलब अपनी उंगलियों को जुम्बिश लेगा अपने आईपैड पे या अपने मोबाइल पे। तो इंसानी तारीख में जो किताब भी लिखी गई है अब तक, उसमें से जिस किताब को चाहे वो एक्सेस कर सकेंगे। पूरी इंसानी तारीख में जो किताब भी लिखी गई है, जो मजमून भी लिखा गया है, वो एक आम तालिबे इल्म के चंद उंगलियों की जुम्बिश के परे दस्तरस में होगा। हम जानते हैं कि साबिक में जो हमारे मुहाक्किकीन थे, स्कॉलर्स थे, उन्हें तहकीक करने के लिए कितनी जस्तजू करनी पड़ती थी। मैं अक्सर जगह अपने दोस्तों को शिपली नोमानी अलैहि रहमत का वाकया सुनाता हूं। शिपली नोमानी हम सब जानते हैं कि बड़े मौके गुजरे हैं, उनका असल कारनामा तहकीक ही रहा है, बल्कि कहा जाता है कि उर्दू दुनिया में पैदा होने वाले सबसे बड़े मौके, बाज लोग ये भी कहते हैं। तो शिपली नोमानी ने अपनी एक किताब के दीपाचे में लिखा है कि मैंने इस किताब के सिलसिले में बहुत तहकीक की, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियों का दौरा किया, म्यूजियम्स का दौरा किया और मखतूतात तलाश किए, उसकी स्टडी की, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा रंज है कि मुझे अल्लामा ज़मखशरी का फला मखतूता नहीं मिल सका। अगर वो मखतूता मुझे मिल जाता तो मेरी तहकीक मुकम्मल हो जाती, लेकिन मुझे नहीं मिल सका। मैं अधूरेपन के एहसास के साथ ये काम कर रहा हूं। मैंने वो मखतूता जिसका उन्होंने तस्करा किया था उसको तलाश किया, आज इंटरनेट पर स्कैन कॉपी मौजूद है। तो उर्दू दुनिया के सबसे बड़े मुहक्किक की दस्तरस, जिस किताब, जो किताब उनकी दस्तरस से बाहर थी, उनकी पहुंच से परे थी, आज एक आम तालिबे इल्म के कंट्रोल में, उसके दस्तरस में, वो चंद उंगलियों की जंबिश के जरिए वहां पहुंच सकता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का इंकलाब है, ये भी बहुत बड़ा इंकलाब है, और इससे भी टीचर के रोल पर इसका बड़ा असर पड़ता है। तो टीचर का एक किरदार, एक रोल जो ट्रेडिशनल रोल रहा है, वो नॉलेज ट्रांसफर का रोल रहा है, कि टीचर वॉज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट ये समझते थे
कि अगर हम टीचर के साथ बैठेंगे तो हमको मालूमात मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा इल्म मिलेगा। तो टीचर का ये जो किरदार है, नॉलेज ट्रांसफर का किरदार, मालूमात की मुंतकली का किरदार, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का किरदार, ये किरदार टोटली रेलेवेंट हो गया है कि आपके तालिबे इल्म के पास आपसे ज्यादा एक्सेस है इंफॉर्मेशन का। कि जितनी जनरेशन यंग है वो डिजिटल नेटिव्स हैं, कि वो ज्यादा कंफर्टेबल है, वो ज्यादा आसानी से इंटरनेट सर्च कर सकते हैं, वो ज्यादा आसानी से मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हमारे लिए मुश्किल होगा लेकिन उनके लिए हमसे ज्यादा आसान है, हमारे बच्चों के लिए हमसे ज्यादा आसान है। हर फैमिली में ये किस्सा, ये दास्तान मौजूद है कि दादा के लिए इंफॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल है, पोते के लिए आसान। वो बहुत आसानी से टैबलेट पर, विकिपीडिया में, गूगल में जाकर सारी इंफॉर्मेशन लाकर दे देता है। तो टीचर का अगर सिर्फ ये किरदार हो कि वो नॉलेज ट्रांसफर कर रहा है, मालूमात मुंतकिल कर रहा है, तो ऐसे टीचर की आज के स्टूडेंट को जरूरत नहीं है। टीचर का रोल उसी वक्त रिलेवेंट है जब आप नॉलेज ट्रांसफर से कुछ आगे का रोल अंजाम दें। वो रोल क्या है, क्या हो सकता है, उस पर मैं गुफ्तगू करूंगा। लेकिन ये कि सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर के लिए अगर आप काम करना, सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर का रोल अदा करना चाहते हैं आप, तो एक स्टूडेंट कह सकता है कि मेरे पास ज्यादा एक्सेस है नॉलेज, मेरे पास विकिपीडिया है, आप उससे ज्यादा नहीं जान सकते, मेरे पास गूगल है, उससे ज्यादा आप नहीं जान सकते, मेरे पास यूट्यूब में दुनिया के जो बेहतरीन स्कॉलर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं, मैं कभी भी सुबह शाम जाते आते वक्त अपने घर में बैठे हुए उनके लेक्चर सुन सकता हूं। तो टीचर के किरदार को नॉलेज ट्रांसफर, मालूमात के इंतकाल, मालूमात के मुंतकिल करने के किरदार से बहुत बड़ा किरदार उसे अदा करना होगा, उससे परे किरदार अदा करना होगा, उसे वो काम करना होगा जो गूगल नहीं कर सकता, उसे वो अदा करना होगा जो विकिपीडिया नहीं कर सकता, जो यूट्यूब के वीडियोस नहीं कर सकते। तो वो क्या हो सकता है, इस पर आप भी सोचिए, मैं भी कुछ गुजारिशात इंशाल्लाह पेश करूंगा। ये दूसरी तब्दीली थी जिस पर मैंने कुछ बातें पेश की। तीसरी बड़ी तब्दीली मोहतरम सामईन, मेरे ख्याल में यह है कि कैरियर स्कोप्स और कैरियर चॉइसेस, इसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली, हिमालयाई तब्दीली वाकई हुई है। अभी तक खुद हमने जो तालीम हासिल की है तो हमारे जहन में बचपन से होता था कि हमको क्या बनना है, या कम से कम जब हम कॉलेज में आ जाते थे तो हमारे सामने हमारा विजन क्लियर होता था कि मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, प्रोफेसर बनना है। चॉइसेस भी महदूद थे, चार पांच बड़े बड़े चॉइसेस थे, और उसी के साथ एक प्री डिटरमाइंड जहन के साथ हम क्लासरूम में बैठते थे और उस रोल के लिए अपने आप को तैयार करते थे। टीचर के सामने भी बात वाजे होती थी, जाहिर है कि उसी की बुनियाद पे स्ट्रीम्स थी। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसके सामने बिल्कुल क्लियर बात थी कि मेरे तालिबे इल्म जाकर इंजीनियर बनेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग शोबे में जाएंगे या क्वालिटी कंट्रोल शोबे में जाएंगे या मार्केटिंग में जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो उनको ये काम इस तरह करना होगा, और अगर क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे तो ये काम इस तरह करना होगा। अगर कोई मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर है तो बहुत क्लियर था कि उसको क्लिनिक में बैठ के इस तरीके से मेरे तालिबे इल्म को अपना रोल प्ले करना है। तो मुस्तकबिल में मेरे तलबा क्या रोल अदा करेंगे, क्या रोल उनका हो सकता है, ये मेरे जहन में बिल्कुल वाज़े, बिल्कुल क्लियर होता था। उसके लिए एक उस्ताद की हैसियत से मैं अपने तलबा को तैयार करता। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि एक तो नॉलेज की रफ्तार जो बढ़ गई है कि 14 महीने में जो कुछ आपने पढ़ाया उसका एक हिस्सा रिलेवेंट हो गया, एक बड़ा इंकलाब तो यह है। फिर दूसरा बड़ा इंकलाब यह है कि अनगिनत मौके, अनगिनत चॉइसेस करियर के सिलसिले में आज मौजूद है, इसको बहुत बढ़ गया है। चार पांच जो मेजर स्ट्रीम्स का अप्रोच था पहले, वो ट्रेडिशनल अप्रोच अब बाकी नहीं रहा। हम में से बहुत से लोग जानते हैं, ये बड़ी हैरत अंगेज चीज है कि गुज़िश्ता साल 2015 में जो दुनिया की 10 बेहतरीन जॉब्स थी, सबसे ज्यादा इन डिमांड जॉब्स, 10 जो बेहतरीन जॉब्स, सबसे ज्यादा इन डिमांड जॉब्स थी साल 2015 में, उन 10 जॉब में से 4 जॉब्स ऐसी थी जो 10 साल पहले जिनका वजूद ही नहीं था। 10 टॉप जॉब्स में से 4 जॉब्स ऐसी थी जिनका 10 साल पहले कोई वजूद ही नहीं था, यानी जब तालिबे इल्म पढ़ रहा होगा तो उस वक्त उस जॉब का नाम निशान नहीं था। जब आप देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट,
डेटा माइनर, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, क्लाउड सर्विस स्पेशलिस्ट, ये सब हाईली पेड जॉब्स है। हर बड़ी कंपनी में ये पोजीशंस मौजूद हैं, लेकिन 10 साल पहले इन जॉब्स का नामो निशान भी नहीं, दुनिया में मौजूद ही नहीं, किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि इस तरह की कोई जॉब क्रिएट होने वाली है। आएगा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये इस्तेलाहात हमने सुनी। अब कई कंपनियां एक और ऑफिसर अपॉइंट कर रही है, चीफ लिसनिंग ऑफिसर, चीफ लिसनिंग ऑफिसर CLO। 5 साल पहले ये लफ्ज शायद एक लतीफा था, जोक था, लेकिन आज हकीकत है, रियलिटी। तो ये बहुत ही अजीब और गरीब सूरत हाल है कि हमको अपने तलबा को ऐसे रोल्स के लिए तैयार करना है जिनके सिलसिले में आज हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते। आज हमारे क्लासरूम में जो जहीन तरीन बच्चे बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, उनमें से कई नौजवान ऐसे काम करेंगे कि जिन कामों का आज कोई तसव्वुर भी नहीं है, इमेजिनेशन भी नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है आज। वो काम क्या होगा इसका तसव्वुर भी आज हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ इस्तेलाहात का मामला नहीं है, बल्कि टोटली नया रोल, टोटली नया काम, नया प्रोसेस, नई डेफिनेशन है। तो जाहिर है कि यह भी एक बहुत ही चैलेंजिंग गोया रोल है जो एक उस्ताद को अदा करना है। क्या आज एक उस्ताद को इस तरह अपने तालिबे इल्म को तैयार करना है कि वो नॉन एग्जिस्टेंट रोल के लिए भी तैयार हो सके, उसमें भी अपना किरदार अदा कर सके, तो उसके लिए कुछ और चीजों पे उसे फोकस करना होगा, जिस पर मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। हाजरी, जब हम बदलते जमाने की बात करते हैं तो तब्दीलियां दो किस्म की होती है, दो तरह की तब्दीलियां होती हैं। कुछ तब्दीलियां तो मुस्बत या न्यूट्रल तब्दीलियां होती हैं, जिनका हमें साथ देना होता है और जिनके मुताबिक अपने आप को बदलना होता है और जिनके तकाजों को अदा करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। तो अभी तक मैंने जिन तीन तब्दीलियों का जिक्र किया है वो इसी तरह की तब्दीलियां हैं कि मुस्बत तब्दीलियां हैं, इससे दुनिया को फायदा हो रहा है, तो इन तब्दीलियों का हमें साथ देना है, उसके मुताबिक अपने आप को बदलना है, उसके तकाजों को अदा करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। लेकिन कुछ तब्दीलियां मनफी तब्दीलियां भी होती हैं जो दुनिया के लिए नुकसान दें। आज दुनिया जिस रुख पर डेवलप हो रही है तो हमको लग रहा है कि कुछ मनफी तब्दीलियां दुनिया में आ रही है, कुछ इंतहाई नुकसानदेह तब्दीलियां दुनिया में आ रही है जो इंसानियत के लिए फायदामंद नहीं है। तो टीचर का रोल सिर्फ मुस्बत तब्दीलियों का साथ देने की हद तक महदूद नहीं है, इसलिए कि तालीम तो फ्यूचर मेकिंग का नाम है, मुस्तकबिल साजी का नाम है, दुनिया की तामीर का नाम है। तो जो मनफी तब्दीलियां आने वाली हैं, जो निगेटिव पोटेंशियल चेंजेस है फ्यूचर के, उनका रुख बदलना, उनका ओरिएंटेशन बदलना, उनको चेंज करना, यह भी टीचर की जिम्मेदारी है। टीचर को इस तरह भी सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी गलत तब्दीलियां दुनिया में आ रही हैं जिनका मैं तालीम के अमल के जरिए रुख बदल सकता हूं। इस सिलसिले में एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी का हवाला देना चाहूंगा मैं। केरी फेसर, ये एक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी किताब लर्निंग फ्यूचर्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, लर्निंग फ्यूचर्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, बहुत दिलचस्प किताब है। इसमें उसने कहा कि जब भी हम एजुकेशन के हवाले से फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचरोलॉजी की बात करते हैं, तो आमतौर पर दो अप्रोचेस होते हैं, दो अप्रोचेस, उसने दो दिलचस्प इस्तेलाहात का इस्तेमाल किया। एक तो टेक्नोलॉजिकल रोमांटिसिज्म, टेक्नोलॉजिकल रोमांटिसिज्म, क्या हम कहते हैं कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजीज आएंगी, उससे ये दुनिया का मंजरनामा बदल जाएगा, ये सहूलतें आ जाएंगी और इस तरह दुनिया हो जाएगी, तो हमको क्या करना चाहिए, एक अप्रोच ये होता है। दूसरा अप्रोच, ये भी दिलचस्प बात है, उसने कहा कि इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बहैसियत एजुकेशनिस्ट हम ये सोचते हैं कि आइंदा 10 साल के बाद की इकोनॉमी क्या होगी, वहां पे किस किस्म के जॉब्स की जरूरत होगी, किस किस्म के कैरियर्स की जरूरत होगी, हम वो जॉब्स वो कैरियर्स के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो गया इकोनॉमी के हम इंस्ट्रूमेंट बन गए, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंटलिज्म, तालीम सिर्फ इकोनॉमी की खिदमत का नाम बन गया,
मईशत की खिदमत का नाम बन गया और मईशत की खिदमत के लिए, इकोनॉमी की खिदमत के लिए हम लोगों को तैयार कर रहे हैं। उसने कहा, उसका मेन आर्ग्यूमेंट यही है कि ये फ्यूचरोलॉजी का सही अप्रोच नहीं है एजुकेशन के मामले में। उससे बढ़ के एक उस्ताद को यह सोचना चाहिए कि दुनिया किस रुख पे बदल रही है, क्या यह सही रुख है या नहीं है, और अगर गलत रुख है या किसी गलत डायरेक्शन में दुनिया बदल रही है तो मैं इस रुख को कैसे बदल सकता हूं। अल्टरनेटिव फ्यूचर्स, तालीम, एजुकेशन शुड बी द मेकर ऑफ एन अल्टरनेटिव फ्यूचर। हम दुनिया को इस रूप में बदलने नहीं देंगे बल्कि एक अल्टरनेटिव फ्यूचर, एक मुतबादिल मुस्तकबिल क्रिएट करेंगे जो ज्यादा बेहतर होगा, जो इंसानियत के लिए ज्यादा मुफीद होगा। तो मैं एक दो बड़ी तब्दीलियों को इस हवाले से भी आपके गौर फिक्र के लिए पेश करना चाहता हूं। अजीजाने गिरामी, एक बड़ी मनफी तब्दीली जो दुनिया में आ रही है और जिसका नोटिस लेने की जरूरत है माहिरीन तालीम को, वो ये है कि टेक्नोलॉजी ने और खासतौर पर जिसे कहते हैं नेटवर्क ग्लोबलाइजेशन, कि टेक्नोलॉजी के नतीजे में जिस तरह पूरी दुनिया एक नेटवर्क बन गई है, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज हो गई है, उसके बहुत से फायदे भी हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान उसका यह सामने आ रहा है कि इसके नतीजे में दुनिया में बड़ी जबरदस्त नाबराबरी, अदम मसावा, अमीर गरीब की तफरीक, दुनिया की दौलत पर चंद बड़े बड़े सरमायादारों का कब्जा और दुनिया में महरूम, मजबूर, गरीब, मुफलिस इंसानों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद, ये इस सिचुएशन का नतीजा है, रिजल्ट जो बड़े भयानक तरीके से दुनिया में सामने आ रहा है। OECD आप जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अक्वा मुत्तहदा का इदारा है, उसकी गुज़िश्ता साल जो रिपोर्ट आई उसने सारी दुनिया को चौंका दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया में जो नाबराबरी है सन 2015 में, मालूम इंसानी तारीख में इतनी ज्यादा नाबराबरी कभी नहीं, मालूम इंसानी तारीख में इतनी ज्यादा नाबराबरी कभी नहीं रही कि 1% जो अमीर तरीन लोग हैं उनकी दौलत बढ़ते बढ़ते 22.5% हो गई, कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग तकरीबन दुनिया की 1/4 दौलत, 1/4 वसायत पर काबिज हैं, और उसके मुकाबले में दुनिया के जो 40% गरीब तरीन लोग हैं, तकरीबन आधी आबादी दुनिया की, उनके वसायल घटते घटते 3% तक पहुंच गए। 40% अवाम सिर्फ 3% दुनिया के वसायल रखते हैं और 1% क्रिमिनल अमीर लोग ये दुनिया के 1/4 22.5% वसायल पर काबिज है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लेबर इनकम और GDP का तनासुब सारी दुनिया में घट रहा है, और मामूली नहीं घट रहा है बल्कि 1960 से 2015 का आप कंपैरिजन करेंगे तो 10-10%, 12-12% तनासुब घट गया है। तो इस तरह सारी दुनिया में बड़ी जबरदस्त नाबराबरी, अदम मसावात पैदा हो रही है। जाहिर है इसके पीछे टेक्नोलॉजी का रोल है, कि आपका ये फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, तो ये सारी दुनिया से रिटेलर्स, गरीब ताजिरों को हटा रहे हैं, और चंद बड़े बड़े ताजिर जो इस पे काबिज हैं, पूरी दुनिया की दौलत, हजारों रिटेलर्स का, करोड़ों रिटेलर्स का मुनाफा उनके पास जमा हो रहा है। फिर उसी तरह इसका एक बड़ा मसला यह है कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरह सर्विलेंस पैदा किया है सारी दुनिया में, कि हर एक आदमी की जिंदगी, उसकी, उसका उठना बैठना, उसकी हरकत और सकना, ये सब रिकॉर्ड में आ रही है, उस पर दुनिया के ताकतवर लोग नजर रख रहे हैं। तो इस सर्विलेंस के नतीजे में आजादी, एक फर्द की खुदमुख्तारी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसका फ्रीडम, ये मुतासिर हो रहा है। तो इस तरह अज़ीज़ाने गिरामी, अगर आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमारी दुनिया बड़ी तेजी से एक ऐसे आलमी निजाम की तरफ बढ़ रही है जो ज्यादा इस्तेबदादी, ड्रैकोनियन है, डोमिनेंस रखता है, और जिसमें ज्यादा नाबराबरी है, गरीबों का ज्यादा इस्तेहसाल है। तो जाहिर है कि ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है, निजामे तालीम को इसका हल तलाश करना होगा, हमें अपने तलबा को तैयार करना होगा इस मकसद के लिए कि वो इस तब्दीली का रुख इंसाफ की तरफ, अदल की तरफ, मसावात की तरफ फेर सके। उसी तरह पांचवी तब्दीली, वो माहौलियाती बहरान, हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब यहां तशरीफ फरमाए, ये उनका खास मौजू है, मैं बचपन से उनके मजामीन पढ़ता रहा हूं, साइंस में, दीगर मजामीन में उन्होंने इस पर बहुत रोशनी डाली है कि माहौलियाती बहरान किस तरह आज सारी दुनिया में एक बड़ा संगीन मसला बन गया है,
कि हमारी फिजा जहर आलूद हो गई है, हमारा पानी जहर आलूद हो गया है और ये सिलसिला मुस्तकिल बढ़ रहा है। अर्थ समिट बार बार होती है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता और हर अगली अर्थ समिट में जो रिपोर्ट पेश होती है उसमें यही मालूम होता है कि पिछली समिट के मुकाबले में अब हम ज्यादा जहरनाक हो गए, हमारी दुनिया ज्यादा जहर आलूद हो गई। तो जाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा मसला है और इस तब्दीली का भी हमको नोटिस लेना है। तो जज़ाने गिरामी, मैंने तीन मुस्बत या न्यूट्रल तब्दीली, दो मनफी या ऐसी तब्दीलियां जिसको चेंज करने की जरूरत है उस पर रोशनी डाली। अब हम गौर करते हैं इन हालात में टीचर का क्या रोल होना चाहिए। तो जाहिर है कि मेरी गुफ्तगू का आगाज इस बात से हुआ कि टीचर का रोल वो होना चाहिए जिसकी आज के तालिबे इल्म को जरूरत है। जो ट्रेडिशनल रोल अभी तक रहा है नॉलेज ट्रांसफर करने का रोल, वो रोल अब इररिलेवेंट हो चुका है, उससे आगे आगे के रोल की जरूरत है। तो मैं दो तरह के रोल विजुअलाइज करता हूं। एक रोल तो ये कि टीचर अल्टरनेटिव फ्यूचर क्रिएट करने वाला होना चाहिए। दुनिया जिस गलत रुख पे चल, दुनिया में जो गलत रुख पैदा हो चुका है तब्दीली का, वो रुख पलटे, ओरिएंटेशन बदले, अल्टरनेटिव फ्यूचर क्रिएट करने वाला उस्ताद हो, ये एक रोल होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक नॉलेज का मामला है, मालूमात का मामला है, इल्म का मामला है, उस्ताद का किरदार वो होना चाहिए या उस्ताद को वो खिदमत अंजाम देनी चाहिए जो तालिबे इल्म गूगल से हासिल नहीं कर सकता, विकिपीडिया से हासिल नहीं कर सकता, यूट्यूब से हासिल नहीं कर सकता। वो खिदमत क्या हो सकती है, मैं 5-6 निकात उस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, पहला तो अगर आप ये काम करेंगे तो रिलेवेंट होंगे, एक ऐसा काम करेंगे जो उसकी जरूरत के मुताबिक होगा। दूसरा बड़ा काम जिसकी तरफ मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में इशारा किया था, लर्निंग टू लर्न, कि आज एक तालिबे इल्म को जिंदगी भर सीखते रहना है, सीखते रहने का एटीट्यूड उसके अंदर पैदा होना है। हम सब ने जो कमीशन फॉर एजुकेशन इन 21st सेंचुरी यूनेस्को ने कायम किया था, जैक्विस डेलर्स जिसके सरबरा थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ी है, उस रिपोर्ट में उन्होंने एजुकेशन के 4 पिलर्स करार दिए, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, लर्निंग टू बी और सबसे अहम लर्निंग टू लर्न। लर्निंग टू लर्न, एल्विन टॉफलर ने कहा था कि द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैनॉट रीड एंड दोज हु कैनॉट राइट, बट दोज हु कैनॉट लर्न, दोज हु कैनॉट लर्न, इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल बी दोज हु कैनॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। तो लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग का काम, यही असल लिटरेसी है अब आज के जमाने में। जो आदमी जिंदगी की आखिरी सांस तक नई चीजें सीखते रहने की सलाहियत अगर नहीं होगी तो वो सोसाइटी में इररिलेवेंट होगा। तो ये सलाहियत पैदा करना क्लासरूम में, ये भी उस्ताद का अहम तरीन रोल, अहम तरीन किरदार है। ये पूरे एटीट्यूड का नाम है, क्या आपको वो एटीट्यूड पैदा करना होगा, उसके अंदर इल्म की प्यास पैदा करनी होगी, मुस्तकिल पढ़ते रहने, सीखते रहने का जज्बा पैदा करना होगा, उसके मिजाज में इस तरह तब्दीली लानी होगी कि जो भी आपका शोबा है, शोबे इल्म है, उस शोबे इल्म से उसे इश्क हो जाए, उसमें पढ़ना, सीखना, नई नई चीजें हासिल करना उसकी जिंदगी का मकसद, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दिलचस्पी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मशाला बन जाए, वो उसका ओढ़ना पिछोना बन जाए। तो ये एटीट्यूड पैदा करना, ये भी उस्ताद का सबसे अहम रोल है जो एक तालिबे इल्म एक्सपेक्ट कर रहा है, कि जो डिफरेंशिएटर है कि आपके क्लासरूम में आने से पहले उसका एटीट्यूड और क्लासरूम अटेंड करने के बाद, आपके साथ 3-4 साल गुजारने के बाद उसके एटीट्यूड में जो बड़ा फर्क आपे होना चाहिए वो यही लर्निंग की सलाहियत, नई चीजें सीखने की सलाहियत का फर्क आपे होना चाहिए। अज़ीज़ाने गिरामी, तीसरा रोल वो है जिसे मैं गार्डनिंग का रोल कहता हूं, गार्डनिंग, बागवानी का रोल। अजीम प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक मजमून आज से चंद साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था, एज ए पेरेंट, मजमून का नाम था एज ए पेरेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि दो तरह के रोल होते हैं, एक रोल तो कुम्हार का रोल है, कुम्हार जो खड़े बनाता है। तो अभी तक जो हमारा निजाम तालीम
चल रहा है वो कुमारी के फलसफे पे चल रहा है। कुमारी का फलसफा क्या है कि कुमार के जहन में जो पॉट बनाना है उस पॉट का एक नक्शा होता है पहले से, और उस नक्शे के मुताबिक वो मिट्टी लेता है और पॉट बनाता है, और एक जैसे पॉट बनाता है सारे 10, 20, 25। तो मास मैन्युफैक्चरिंग प्री डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग के जहन में पहले से एक डिजाइन, और उस डिजाइन के मुताबिक 10, 20, 50 उसने घड़े बनाए। तो अभी तक हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है वो यही करता है कि बच्चे के वालिदैन के जहन में भी इसको IIT में जाना है, और टीचर के जहन में भी है कि पूरे 20 बच्चों को IIT के लिए तैयार करना है। तो 20 घड़े उसने बना दिए, पहले से जहन में डिजाइन फिक्स है कि IIT में जाने के लिए इस तरह मशक करनी होगी, इस तरह रखना होगा, इस तरह एक्सरसाइज करनी होगी, और उस सुबह 4 बजे से शाम तक ये काम करा रहा है, और एंड रिजल्ट ये कि 20 घड़े तैयार हो। ये कुमारी का फलसफा है जो आज के जमाने में इररिलेवेंट है कि आज हजारों जॉब्स हैं, हर जॉब के लिए, हर करियर के लिए लोगों को तैयार करना है। तो अजीम प्रेमजी ने कहा कि आज के जमाने में गार्डनिंग का फलसफा चाहिए तालीम। गार्डनिंग का फलसफा क्या है कि गार्डनर के जहन में कोई डिजाइन नहीं होता, गार्डनर के हाथ में बीज होता है और उसके उसके जहन में उसकी नजर बीज के पोटेंशियल पर होती है। वो सोचता है कि मेरे पास ये बीज है, ये आम का बीज है, तो अब मेरा टारगेट ये है कि मैं इस आम के बीज से दरख्त उगाऊं और ये आम के बीज के जो पोटेंशियल्स हैं वो कमाल को पहुंचे। जो उसके इनबिल्ट इनर पोटेंशियल्स हैं, जो उसकी अंदरूनी सलाहियतें हैं, वो सलाहियतें कमाल को पहुंचे। ये गार्डनिंग का फलसफा है। तो तालीम टीचर का रोल आज एक गार्डनर का रोल है कि आप अपने डिजाइन के मुताबिक लोगों को मोल्ड करना चाहेंगे तो ये नए बदलते तकाजों से हमाहंग बात नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि आप तालिबिल के इनर पोटेंशियल्स पे नजर रखें और उन पोटेंशियल्स को कमाल तक आखिरी दर्जे तक पहुंचाने की कोशिश करें, उसके लिए उसे मोटिवेट करें, उसके लिए तहरीक उसे फराहम करें। चौथा अहम जो किरदार है जिसे 5C रोल कहा जाता है, 5C रोल। 5C क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, सी नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कैरेक्टर। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन एंड कैरेक्टर। तो ये 5 चीजें हैं जिसके लिए जिसमें बच्चों को तैयार करना है, तलबा को तैयार करना है। ये तैयारी अगर हो जाए तो आइंदा किसी भी तरह का रोल पैदा हो जाए उसके लिए वो तैयार हो। अगर वो नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो गए, जो पहला काम आपने अंजाम दिया लर्निंग टू लर्न, और फिर उसके बाद उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, उनके अंदर क्रिएटिविटी आ गई, कोलैबोरेशन दूसरों के साथ कोलैबोरेट होने की सलाहियत आ गई, जो शोबे इल्म है उनका उस शोबे इल्म में कम्युनिकेट करने, बात करने, सुनने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो गई, कैरेक्टर पैदा हो गया, तो फिर वो दुनिया में आइंदा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जितने नए रोल आएंगे, जितने नए किरदार आएंगे, जितने नए चैलेंजेस आएंगे, उन सब चैलेंजेस के लिए वो तैयार हो। तो मकसद जो है किसी मखसूस कोर्स के लिए, किसी मखसूस स्किल के लिए तैयार करना नहीं है, इसलिए कि स्किल्स बदल रही है, तेजी से बदल रही है, स्किल्स के तकाजे बदल रहे हैं। मकसद यह है कि ऐसी कॉमन स्किल्स उनके अंदर पैदा हो जाए, वो कॉमन एटीट्यूड पैदा हो जाए जिसके नतीजे में किसी भी नई स्किल को अडॉप्ट करना और उसमें एक्सेल करना, उसमें कामयाब होना उनके लिए इंतहाई आसान हो जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, ये एटीट्यूड भी गूगल पैदा नहीं कर सकता, यूट्यूब पैदा नहीं कर सकता, ये एक जिंदा उस्ताद ही ये कैरेक्टर पैदा कर सकता है। पांचवा रोल वो उसका ताल्लुक कैरेक्टर से, कैरेक्टर कि आप वो हसासियत, वो सेंसिटिविटी अपने तलबा के अंदर पैदा करें जो दुनिया को बदलने के लिए, सही रुख पर बदलने के लिए जरूरी है। मैंने जो मसाइल का तस्करा किया, उन मसाइल पर अगर आप काम करना चाहें, अपने निजाम तालीम को उन मसाइल की दुनिया पर एक नया दुनिया को रुख देने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, तो आपको अपने तलबा के अंदर मसाइल के सिलसिले में सेंसिटिविटी पैदा करनी होगी, हसासियत पैदा करनी होगी। आज का एक बड़ा मसला यह है कि मटेरियलिज्म, यानी सिर्फ अच्छे से अच्छा कैरियर, बल्कि कैरियर भी नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, ज्यादा से ज्यादा दौलत, ये तलबा के सामने है। अगेन प्योर फाउंडेशन का एक सर्वे है, उसने कहा कि 10 साल पहले, 20 साल पहले
जब हम तलबा से पूछते थे कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहते हो, तो वो बहुत सी ऊंची ऊंची बातें करते थे, सोशल बातें करते थे, दुनिया में तब्दीली की बातें करते थे। आज हम पूछते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं कि हमको खूब कमाना है, ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करना है। तो इसका मतलब यह कि वो सेंसिटिविटी बाकी नहीं रही, और उस सेंसिटिविटी के खात्मे के नतीजे में ही दुनिया में यह जुल्म, यह इस्तेबदाद, यह नाबराबरी, ये आसान हो गई। तो तलबा के अंदर वो सेंसिटिविटी पैदा करना, ये भी उस्ताद का एक अहम तरीन किरदार है। आखिरी किरदार जिस पर बात करते हुए मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगु खत्म करूंगा, वो मोटिवेशन का किरदार है। मोटिवेशन के टीचर का रोल मोटिवेटर का रोल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही। और ये काम भी गूगल नहीं कर सकता, ये काम एक जिंदा शख्सियत, उसका ऑरा, वो माहौल जो एक शख्सियत पैदा करती है, वो एनर्जी जो एक हौसलामंद टीचर अपनी शख्सियत के जरिए पूरे क्लासरूम में रेडिएट करता है, तो एक जिंदा शख्सियत ही ये रोल अदा कर सकती है। तो टीचर का एक अहम तरीन रोल, एक अहम तरीन किरदार ये होना चाहिए कि जितनी बातें मैंने अर्ज की उन सब के लिए आप मोटिवेट करें। ये बात हम सब बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं कि द मीडियोकर टीचर टेल्स, द गुड टीचर एक्सप्लेन्स, द सुपीरियर टीचर डेमोंस्ट्रेट्स, और ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। ग्रेट टीचर इंस्पायर्स। तो ग्रेट टीचर का ये जो इंस्पिरेशन का रोल है, ये एक बड़ा डिफरेंशिएटर है जो आपके रोल को आज के हालात से रिलेवेंट करेगा। गालिब ने कहा था कि ढूंढे हैं उस मुगनी आतिश नफस को जी, ढूंढे हैं उस मुगनी आतिश नफस को जी, जिसकी सदा हो जल रहे बरते फना मुझे। तो मेरे ख्याल में 21वीं सदी में नए हालात में टीचर का सबसे अहम तरीन किरदार ये कि उसे वो मुगनी आतिश नफस बन जाना चाहिए। मुगनी आतिश नफस कि जो आग भड़काए, जो तरक्की की आग भड़काए, जो ऊंचे ख्वाब की आतिश दहकाए, जो खिदमत की आग भड़काए, जो दुनिया को बदलने की, दुनिया को सही रुख देने की आग भड़काए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने कुछ ऐसी तब्दीलियों पर रोशनी डाली जिनका ताल्लुक तालीम से, निजामे तालीम से, उस्ताद के किरदार से है। और इन तब्दीलियों के पस मंजर में एक उस्ताद का क्या किरदार होना चाहिए, कैसे उसे एक नॉलेज ट्रांसफर के किरदार से हटके, उससे परे, उससे बुलंद होकर एक बड़े किरदार, एक बड़े रोल के लिए जिसकी आज के तालिबे इल्म को जरूरत है, और जो वो जरूरत जो उस टेक्नोलॉजी से वो पूरी नहीं कर सकता, उस जरूरत की तकमील के लिए टीचर कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है, इस पर कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये गुजारिशात सुनी, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने किरदार को, अपने अपने रोल को बेहतर से बेहतर तरीके से अदा करने की मौके अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।